हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपने देखा होगा थंबनेल में कि जो भी बच्चे हमारे हैं स्कूल के सभी लोगों को यहाँ पे कंपटीशन करवा रहे हैं, वो भी ड्राइंग कंपटीशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि हमने ड्राइंग कंपटीशन के लिए स्टार्ट कर दिए हैं, सभी बच्चे अपने अपने सीट पे बैठ गए हैं। अब इन लोगों को एक एक कॉपी दे देंगे, जैसे कि सभी लोगों का कॉपी जो सेम होता है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइप का अपना लेके आ जाते हैं ड्राइंग कॉपी, जैसे और भी बेहतर हो जाता है उनका दूसरे के कंपेयर में। इसलिए मैंने सोचा कि सभी बच्चों को एक जैसा कॉपी दिया जाए, जिसे एक जैसा पेज दिया जाए, जिसे बनाने में इन लोगों को तकलीफ ना हो। और जिनको भी जो भी यहाँ पे स्टूडेंट है, इनको जो भी अच्छा लगता है बनाने के लिए वो बना सकते हैं। जैसे कि किसी को दिया नहीं गया है कि इस टाइप का ड्राइंग बनाना है। सभी बच्चे एक्साइटेड हैं, अभी स्टार्ट होने के पहले वीडियो के माध्यम से आप सब देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। सभी को एक एक कॉपी मैंने दे दिया। अजीम के पास पेंसिल इरेजर सपना है, उसी से सभी लोगों को बनाना है। इसके अलावा जो भी कलर यूज करना चाहते हैं अपने से सभी स्टूडेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कुछ बच्चे, चार पांच बच्चे थे जिनको मैंने पेज नहीं दिया था, अब इन लोगों को पेज दे देता हूँ। अब कंप्लीट सभी लोगों को मिल गया। धीरे धीरे सभी लोग स्टार्ट कर चुके हैं, काफ़ी लोग स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे बनाना। आई थिंक सबसे अच्छा यहाँ पे राजन का बना हुआ है एक ड्राइंग, उसके बाद सभी का ही बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे सभी लोग बना रहा है, तो यहाँ पे सभी बच्चे एक्साइटेड हो के अपना ड्राइंग कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे सभी लोग अपना अपना कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैम है जिनका नाम है तुलसी मैम, ये भी अपना वर्क कर रही है, सभी बच्चों को कुछ कुछ बता रही है। अब ये करने का ये मकसद था कि पहले देखा जाए पहले लोग कैसे बनाते हैं, हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं किस टाइप का ड्राइंग बनाते हैं। अगर ये सब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ इनको प्रोसेस दिया जाएगा, कुछ बताया जाएगा, कुछ थीम दिया जाएगा, उस पर बनाने के लिए इन लोगों को दिया जाएगा। एडवांस में मैंने बोला पहले खुद से बनाना है, खुद से कुछ भी बना के दिखाइए। फ्लैग भी बना दीजिए, जिसको बनाने अभी नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो फ्लैग भी बना सकते हो या फिर झोपड़ी हाउस भी बना सकते हो। इसलिए सभी बच्चे एक्साइटेड होकर अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी का वर्क एक एक करके मैंने दिखाऊंगा। बहुत लोग कुछ बनाया भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हाँ हमारे बीच में एक कंपटीशन हो रहा है, कुछ ना कुछ सभी लोग बना रहे हैं। आई थिंक कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा कि ये वाला जो लड़का बनाया है यहाँ पे, मैं ही ये वाला पिक्चर महाराणा प्रताप सिंह का उसी हॉल में मैंने बनाया है एक दीवार पर, वो भी एशियन पेंट से। वही देख के कुछ स्टूडेंट उसका बनाया है, दो स्टूडेंट उस टाइप का बनाया है, मतलब देख के आउटलाइन उसका ड्रॉ किए हैं। कंप्लीट तो उस तरीका से अभी करेंगे नहीं क्योंकि कलर नहीं दिया गया है, लेकिन आउटलाइन ये सब वहीं से ड्रॉ किए हैं। और सब है, कुछ कुछ लोग सीनरी बना रहा है, कुछ लोग है कि फेस बना रहा है, कुछ लोग है कि इसी तरीके करके सभी स्टूडेंट यही सब बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो कि फ्लैग बना रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे एक छोटा सा घर बना रहे हैं, उसके साथ एक सन और पेड़ बना रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो पोस्टेड कलर का यूज करके यहाँ पे कंप्लीट इस जो पेंटिंग होता है, ड्राइंग होता है, उसको खूबसूरत कर रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चा है जो कि दो दो आर्ट बनाया है, एक पहले बना लिया उसके बाद फिर से पेज बोला कि पेज चाहिए। ये दीपक सर के बच्चे हैं, एक ये तो काफ़ी अच्छे सभी लोग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है, सभी लोग बहुत मेहनत से एक्साइटेड होके यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये सब चीज़ कंप्लीट होता है, उसके बाद हम अंतिम में दिखाते हैं सबसे अच्छा रिजल्ट किसका होता है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैम है, ये भी अपना काम कर रही हैं। उसी तरीका से सभी स्टूडेंट अपना अपना वर्क कर रहे हैं। ये हुआ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध मैंने यहाँ पे बनाया था उसी हॉल में जो आप देख रहे हैं, उसी को ये देख के यहाँ पे बना दिया है। इसको देख के एक और बच्चा ने गौतम बुद्ध बनाया है। इसके हिसाब से ये बच्चा है जो कि हाउस बना रहा है, काफ़ी अच्छा ब्लेंडिंग कर रहा है, और ये है कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट है बनाने के लिए लेके आया है। और जो पीछे ये दीवार पे दिखाई दे रही है मेरा, I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away.